फ्रेंड्स, वैसे तो पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है, लेकिन अक्सर ऐसे इंसिडेंट्स हमारे सामने आते रहते हैं जिसमें पुलिस द्वारा अपनी जो शक्तियां हैं उनका दुरुपयोग कर किसी मासूम व्यक्ति को परेशान किया जाता है। ये परेशानी एक्सटॉर्शन के रूप में हो सकती है, यहाँ तक कि अगर आप अपनी कोई शिकायत उनके पास लेके जाएं तो आपके साथ दुर्व्यवहार के रूप में हो सकती है, अनुचित रूप से आपको थाने में बैठाने के रूप में हो सकती है, या फिर कोई झूठे केस में फंसाने की धमकी के रूप में हो सकती है। समझना हमें ये है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपके पास लीगल रेमेडीज तक किस रूप में उपलब्ध हैं। इसके लिए आपको जानना होगा, वर्ष 2006 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस में ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे कि हर राज्य को अपने स्टेट में एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी PCA को एस्टैब्लिश करना है। हालांकि आज तक सिर्फ 11 स्टेट्स ने इसका कंप्लायंस किया है, बाकी स्टेट्स में जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं या जो पुलिस हेडक्वार्टर है वो ऐसे मामलों को हैंडल करते हैं। अब सबसे मुख्य रूप में आपको जानना ये आवश्यक है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो सबसे पहला काम उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। वो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, और कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकता है, और इस रूप में रिकॉर्ड होना चाहिए कि संभवतः सामने वाले व्यक्ति को पता ना लगे, ताकि जो साक्ष्य हैं वो स्पष्ट रूप से सामने आ सके। उसके बाद इसकी एक शिकायत अगर आप उन 11 स्टेट्स में जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा प्रमुख रूप से हैं, तो आप अपनी एक शिकायत PCA पुलिस कंट्रोल अथॉरिटी को लिख सकते हैं, या फिर आप जो अगर आप और कोई स्टेट में हैं तो जो पुलिस के हर ऑफिशियल्स हैं, SP हैं, IG हैं, या पुलिस कमिश्नर हैं, या फिर PHQ पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर आप अपनी शिकायत लिख सकते हैं और इसके साथ उस एविडेंस को लगा दीजिए। इस पर भी अगर एक्शन नहीं होता है तो सेक्शन 200 CRPC 1973 में आप अपने जो एरिया मजिस्ट्रेट है उनको इसकी एक लिखित शिकायत विद एविडेंस उल्लिखित कर सकते हैं। आप एक बात ध्यान रखिए कि ऐसे पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट सेक्शन 166 ऑफ IPC 1860 में एक FIR पंजीबद्ध हो सकती है और उसको 2 साल तक सजा और फाइन हो सकता है। अगर आपको इसके बाद भी कोई न्याय नहीं मिलता है तो आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में एक रिट याचिका न्याय प्राप्ति के लिए लगा सकते हैं और उसमें मांग उठा सकते हैं कि ऐसे पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन इंश्योर किया जाए। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन उपयोगी लगी होगी। ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद द फॉर्मूला।